पर्यावरण के प्रति लोग अपने कर्तव्यों को समझें तो जंगल कभी कम नहीं हो सकते। पौधारोपण अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगार रेंज के अंतर्गत 3000 पौधे लगाए गए, जिसमें महिला मंडल के सदस्यों, युवक मंडल के सदस्य, नेहरू युवा के सदस्यों और ग्रामीण वासियों ने पौधे लगाने में भाग लिया। अगार रेंज ऑफिसर केदारनाथ ने बताया कि अगार रेंज के अंतर्गत चार क्षेत्र हुमलसी, अमरोसी वन में 5-5 हेक्टर में 3 हेक्टर बढ़ियाना सी 2 हेक्टर में जनता के सहयोग से लगभग 3000 पौधे वन बीट में लगाए गए, जिसमें खैर, आंवला, जामुन व बांस के पौधों का पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि अगार रेंज के जिनकरी गांव में विभाग ने नर्सरी में 65,000 पौधे तैयार किए गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों को जंगल के महत्व के बारे में बताया गया। जंगल को आग से बचाने के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बरसात में अगार रेंज के अंतर्गत 12,000 पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। पिछले वर्ष पुंदड़ गांव में विभाग ने पौधारोपण किया था, 75% पौधे बचाने में सफलता प्राप्त की। बीओ अमरजीत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पौधारोपण 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। भी इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवी सुमन लता व वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। आयकर विभाग के हमीरपुर कार्यालय द्वारा आज अपनी 159वीं वर्षगांठ पर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे टैक्सथॉन का नाम दिया गया था। हमीरपुर आयकर भवन से शुरू हुई ये दौड़ लगभग 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हमीरपुर के हीरानगर में समाप्त हुई। इसमें आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, इनकम टैक्स बार संघ के सदस्यों तथा व्यापार मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। टैक्सथॉन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे धावकों को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर आयकर अधिकारी कुशल कुमार, बार संघ के अध्यक्ष सीए अरुण गिरी, निरीक्षक गुलाम मोहम्मद तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील सोनी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयकर अधिकारी हमीरपुर कुशल कुमार ने बताया कि आयकर विभाग की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को आयकर के प्रति जागरूक करना तथा समय पर आयकर विवरणी भरने के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस दौड़ में बार संघ तथा व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। वन विभाग द्वारा करोड़ पंचायत में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वन विभाग के मुख्य संरक्षक अनिल जोशी ने की। स्थानीय पंचायत वासियों ने इस वन विभाग के पौधारोपण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाने होंगे और उनका संरक्षण भी करना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम उठाने होंगे ताकि हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण मिल सके। विधायक सुक्कू ने गाँव वासियों और वन विभाग की टीम के साथ पौधे भी रोपित किए। वन विभाग के मुख्य संरक्षक, DFO, RO और BO सहित समस्त वन विभाग की टीम ने मुख्य अतिथि को एक पौधा देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद, पूर्व ब्लॉक समिति के चेयरमैन सुनील बिटू, रविंदर गद्दी, ग्राम पंचायत क्रौर के प्रधान राजीव कुमार, ग्राम पंचायत किटपुर प्रधान सुभाष पंडित, क्रौर के उप प्रधान संजीव कुमार, वार्ड पंच प्यार चंद, वार्ड पंच सुमन देवी, वार्ड पंच अजय कुमार, मेहर चंद, सुनील कुमार, अंकुश कुमार, सुदर्शन कुमार आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
चुनावों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस विधायक धनराम शांडिल सोलन के विकास कार्यों का जायजा लेने सोलन शहर की जनता के बीच पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धनराम शांडिल ने सोलन के गज बाजार, माल रोड और टैंक रोड का दौरा किया और लोगों की परेशानियों और उनकी मांगों को भी सुना। उन्होंने कहा कि सोलन में कई ऐसे विकास के कार्य हैं जिन्हें नगर परिषद ने पूरा नहीं किया है। कुछ विभाग भी लोगों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्हें जल्द विकासात्मक कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। धनराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि सोलन माल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क की हालत बेहद खस्ता है और यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन काफी वर्षों से बंद पड़ा है जिसे नगर परिषद यहां से हटा रही है। वह चाहते हैं कि यहां ओपन एयर जिम लगे ताकि सभी उम्र के लोग इस जिम का फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि सोलन शहर में शौचालय की भी कमी है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, जल्द ही इसे दुरुस्त किया जाएगा।